तो चलिए आज के इस लेक्चर से हम शुरुआत करने वाले हैं उत्तराखंड जिला दृष्टि सीरीज की। और इस सीरीज के अंदर जो है हम उत्तराखंड राज्य के अलग अलग जिलों का अध्ययन करेंगे। आज के इस लेक्चर में शुरुआत करते हैं जिला दृष्टि सीरीज की राजधानी देहरादून से, यानी सबसे पहले जिस जिले के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं वो देहरादून है। जब कभी भी आप किसी जिले के बारे में अध्ययन करें तो जिला सीरीज में ध्यान रखें, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है इस जिले का इतिहास। बहुत ब्रीफली, बहुत डीप इतिहास नहीं चाहिए, बहुत ब्रीफली इतिहास हमें चाहिए, इस जिले का गठन कैसे कैसे किया गया और एक जिले के रूप में इस जिले के साथ कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी रहती है। तो जिला दृष्टि सीरीज में सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बात करेंगे सभी जिलों की। आज देहरादून पढ़ रहे हैं तो देहरादून के इतिहास से बात करेंगे। इतिहास के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए वो प्रशासन होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से यहां पर काम करता है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ब्लॉक्स, तहसीलों की क्या स्थिति है, कौन कौन से प्राधिकरण वहां पर कार्य कर रहे हैं और कुछ अन्य बिंदु प्रशासन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रशासन के बाद किसी भी जिला दृष्टि सीरीज के अंदर तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ज्योग्राफी होना चाहिए। उस जिले का भूगोल क्या है, स्थिति कहां पर है, अड़ोस पड़ोस के जिले कौन से हैं, इस जिले में जलवायु किस प्रकार की है, वर्षा की स्थिति, दर्रे, हिमालय कौन सी रीजन के अंदर आते हैं, ये सारी बातें ज्योग्राफी के अंदर, ताल, झील, कुंड वो तो चलता ही रहेगा। और ज्योग्राफी के अलावा तीसरा बिंदु अदर्स कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट इस जिले के बारे में रहते हैं, जिसमें अंदर हम संगठन, संस्थान, संग्रहालयों के बारे में बात कर सकते हैं या फिर कुछ और महत्वपूर्ण बात। अदर्स पॉइंट्स के अंदर हम लोग, बहुत अच्छा है कि अगर पर्यटन के बारे में बात कर लें, किसी भी जिला दृष्टि में पर्यटन एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, पर्यटन का स्थान एक महत्वपूर्ण जगह पर रखा जाएगा अगर बात हम जिला दृष्टि की कर रहे होंगे। फिलहाल आज शुरुआत करते हैं देहरादून से। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए देहरादून के इतिहास की, अलग अलग कालखंडों में प्रत्येक स्थान का अलग अलग एक इतिहास हमारे सामने प्रदर्शित होता है। बात देहरादून की करी जाए तो देहरादून का इतिहास पहली बार उजागर पौराणिक काल में होता है। पुराणों के काल में ऐसा माना जाता है कि जब महाभारत का दौर चल रहा था तो उस महाभारत के दौर में, और यहां मैं महाभारत से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अधिकांश प्रमाण जो है वो महाभारत काल से ही मिलने स्टार्ट होते हैं। महाभारत काल में देहरादून का संबंध द्रोणाचार्य से लगाया जाता है और कुछ इतिहासकारों का मत यह है कि द्रोणाचार्य की तपस्थली होने के कारण ही इस स्थान को द्रोण नगरी कहा जाता है। कुछ लोगों का मत है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी देहरादून में कई स्थानों पर दिखाई देते हैं, किंतु पौराणिक काल में द्रोणाचार्य से शायद इस स्थान का कोई संबंध रहा करता होगा, इसलिए पौराणिक काल में इसे द्रोण नगरी के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा पौराणिक कालों में गौतम ऋषि की तपस्थली भी देहरादून के अंदर पर्टिकुलर आप जानते होंगे, तो एक कुंड है गौतम कुंड चंद्रमणि के पास में, तो गौतम ऋषि से भी थोड़ा बहुत कुछ कहानियां जुड़ी हुई है पौराणिक काल में। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, एंशियंट हिस्ट्री में पहुंचते हैं, प्राचीन काल में पहुंचते हैं, तो प्राचीन काल में पहली बार देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्र का वर्णन जो है वो हमें कुणिंदों के समकालीन वंश में देखने को मिलता है। कुणिंद राजवंश के समय, मौर्य काल के समय की अगर हम बात करें कुणिंदों के बारे में, तो मौर्य काल के समय अशोक का अभिलेख काशी में मिलना, मौर्योत्तर काल में कुणिंदों की राजधानी कालकूट यानी कालसी का उल्लेख होना, और ये कालसी आज आपके देहरादून जिले के अंदर ही है। पौरव वंश आते आते अनेकों अनेक स्थान पर शत्रुघ्न नगर का उल्लेख किया जाना, अधिकांश इतिहासकारों का शत्रुघ्न नगर की पहचान सारनपुर से लेकर जौनसार के बीच किसी स्थान से करना, ये सारी चीजें हमें ये बताते हैं कि प्राचीन काल में भी देहरादून एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। अब इस बात को अच्छे से आप समझ सकते हैं कि भाई प्राचीन इतिहास के बहुत ज्यादा स्रोत नहीं है हमारे पास, इसलिए प्राचीन काल की कोई एग्जैक्ट स्टोरी इस राजवंश के, इस शहर के बारे में हमारे को प्राप्त नहीं होती है। फिर मेडिवल हिस्ट्री पर आते हैं, मैं पहले ही बोल चुका हूं यहां पर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले, हम बहुत ब्रीफली हिस्ट्री बात करने वाले एक जिले के रूप में क्या इतिहास होता है, तो यहां पर राजवंशों का बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे। खैर मध्यकाल आते आते परमार वंश के राजाओं का आधिपत्य देहरादून पर होने लगा। परमार वंश में सबसे पहला राजा जो देहरादून के प्रति अपना इंटरेस्ट शो करता है या देहरादून में आकर के यहां के क्षेत्रों को विजिट करता है वो पृथ्वीपति शाह था। तब कुछ लोगों ने कह दिया कि पृथ्वीपति शाह देहरादून में आया था और उसने यहां पर एक शहर बसा दिया और उस शहर का नाम पृथ्वीपुर रख दिया। कुछ इतिहासकारों ने कहा देहरादून का प्राचीन नाम भी पृथ्वीपुर हुआ करता था। ये कई जगह पर आपने पृथ्वीपुर से
पहचान करी जाती है देहरादून की। तो मध्यकाल आते आते परमार वंशी राजाओं का यहां पर अधिकार हो गया। लेकिन आप जानते होंगे कि जब ललित शाह का शासनकाल आया तो उसके बाद देहरादून पर परमारों की जो सत्ता थी वो स्थायी नहीं रह पाई। कभी सिखों ने आक्रमण किया, कभी गुजरों का आक्रमण हुआ, कभी दक्षिण से रोहिलाओं ने अटैक कर दिए। तो इस वजह से ललित शाह के बाद तो हमें एक स्थायी सत्ता जो है देहरादून पर परमार वंशी राजाओं की नहीं दिखाई देती। फिर आप जानते 1790 से गोरखाओं का अटैक प्रारंभ हो गया। 1804 खुड़बुड़ा के युद्ध में परमार वंशी राजा प्रद्युमन शाह को मार दिया और उसके बाद गढ़वाल क्षेत्र पर भी गोरखाओं का अधिकार हो गया। यहां तक भी एक जिले के रूप में इसका कोई प्रशासन, कोई प्रशासनिक इतिहास हमारे सामने हमें नहीं देखने को मिलता। ये तो प्राचीन और मध्यकाल की बात थी। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग आते हैं और आप जानते हैं कि अंग्रेजों के यहां आने से पहले, अंग्रेज उत्तराखंड में आए उससे पहले उत्तराखंड पर गोरखाओं का शासन हुआ करता था। तो जब अंग्रेजों ने उत्तराखंड में अटैक किया, जब अंग्रेजों ने गोरखाओं के खिलाफ उत्तराखंड में अटैक किया तो अंग्रेज और गोरखाओं के बीच होने वाले जो युद्ध है जिन्हें हम आंग्ल गोरखा युद्धों के नाम से जानते हैं, उन आंग्ल गोरखा युद्धों की शुरुआत देहरादून से ही होती है। और आप जानते होंगे 1814 ईस्वी में एक बड़ा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है। कुछ लोग इसको नाला पानी का युद्ध कहते हैं, कुछ लोग इसको खलंगा का युद्ध कहते हैं। तो एक तरफ खलंगा के युद्ध में गोरखाओं की सेनापति, दूसरी तरफ खलंगा के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ओक्टरनोली जैसा एक कुशल सेनापति कर रहा था। तो 1814 के इस खलंगा युद्ध में गोरखा पराजित हुए और गोरखाओं के पराजित होने के साथ ही गोरखा सत्ता को देहरादून छोड़कर के जाना पड़ा और यहां से शुरुआत होती है एक जिले के रूप में देहरादून के इतिहास की। अब देहरादून पर अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने देहरादून पर कब्जा कर दिया। अब देहरादून को एक प्रशासनिक रूप में आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए, वही एक जिले के रूप में देहरादून का इतिहास होगा। अगर प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास की बात करी जाए तो फिर आप जानते होंगे कि कई लोगों का मत यह भी है कि देहरादून में गुरु राम राय ने आकर के शरण ली थी। गढ़वाल के राजा थे ना फतेहपति शाह, तो गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह ने आकर के इस स्थान पर बोलते हैं डेरा डाला था, तो इस वजह से भी शायद इसको देहरादून कहा गया। लेकिन आपको यहां पर ध्यान रखना है, कुछ एक किताबों में लिखा है कि 1699 में गुरु राम राय देहरादून आए थे, जो कि पूर्णतया तथ्य विहीन है और गलत है। गलत मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि 1699 तक गुरु राम राय जीवित ही नहीं थे। 1699 आते आते 1680 के दौर में गुरु राम राय की मृत्यु हो चुकी थी। तो जो आदमी 1690 से पहले ही मर चुका है वो 1699 में देहरादून कैसे आ सकता है। तो फिर प्रश्न उठता है गुरु राम राय देहरादून में कब आते हैं, तो फिर आंसर होता है 1676 ईस्वी के अंदर। 1676 में ऐसा माना जाता है गुरु राम राय, औरंगजेब ने उनको भेज दिया था फतेहपति शाह के पास और गढ़वाल के राजा फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को जमीन दान में दे दी थी देहरादून की, और तब आकर के जो है गुरु राम राय ने इस स्थान पर डेरा डाला था। इस वजह से इसको देहरादून कहा जाता है क्योंकि डेरा यहां पर डाला था। ये भी कुछ मान्यताएं चलती है। लेकिन एक जिले के रूप में देहरादून का जो इतिहास है वो प्रारंभ 1817 में होता है। ध्यान से बातों को समझना अच्छे से, कोई भी डाउट ना रहे। 1817 ईस्वी के अंदर पहली बार अंग्रेजों के द्वारा देहरादून को एक जिला घोषित किया जाता है, एक जिला बनाया जाता है। देहरादून को एक जिले के रूप में कब गठित किया गया, तो फिर आंसर होगा 1817 में ब्रिटिशर्स ने अंग्रेजों ने देहरादून को एक जिला घोषित किया। क्या ये एक नॉर्मल जिला था, तो फिर आपका उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, ये एक नॉर्मल जिला नहीं था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, 1817 में जब देहरादून को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो 1817 में देहरादून को एक अटैच्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। ध्यान से इस बात को समझना भैया, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, 1817 में देहरादून को जिला तो बना दिया किंतु इसे एक और जिले के साथ अटैच कर दिया और वो जिला था सहारनपुर जिला। बहुत सारे बच्चों को यहां पर एक डाउट होता है कि 1817 में देहरादून को जिला बनाया और जिला बना करके इसको सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया गया। ध्यान रखिए कि सहारनपुर मंडल 1997 में बनता है, तो 1997 में बनने वाले सहारनपुर मंडल में 1817 में कैसे डाल दोगे भैया देहरादून को। देहरादून 1817 में एक जिला बना है, बहुत सही बात है, किंतु और इसको सहारनपुर में भी डाला गया है, ये भी सत्य बात है, लेकिन 1817 में गठित होने वाले देहरादून को सहारनपुर जिले के साथ अटैच किया गया।
जिले को जिले में जोड़ा, इसलिए मैंने लिखा अटैच्ड डिस्ट्रिक्ट। गठन के समय देहरादून एक संयुक्त जिला था, संयुक्त जिला। अटैच्ड डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्टों को कहा जाता है जिसका प्रशासन किसी दूसरे जिले से चल रहा हो। देहरादून जिला तो बन गया है 1817 में, लेकिन देहरादून का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कोई नहीं था। सहारनपुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही देहरादून का भी प्रशासन संभाल रहा था। क्लियर। देहरादून को जिला कब बनाया गया? 1817 ईस्वी के अंदर। देहरादून 1817 में कैसा जिला था? तब आप कहेंगे अटैच डिस्ट्रिक्ट था, संयुक्त जिला था। और तब इसको किसके साथ जोड़ दिया गया? फिर आप कहेंगे सहारनपुर जिले के साथ इसको जोड़ दिया गया। ये अटैच डिस्ट्रिक्ट वाली जो व्यवस्था है ये कब तक चलती रही? तो 17 को उल्टा कर दो, 1871, 1871 ईस्वी तक यही व्यवस्था रही कि देहरादून सहारनपुर जिले के साथ जुड़ा रहा। और 1871 वो वर्ष है जब पहली बार देहरादून को एक पृथक जिला घोषित किया गया, एक पृथक जिला बनाया गया। पेपर में अगर प्रश्न आता है देहरादून जिले का गठन कब हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आंख बंद करके आप 1817 टिक कर सकते। किंतु अगर परीक्षा में प्रश्न ये पूछा गया है देहरादून को एक पृथक जिला कब बनाया गया, तो सदैव आपका उत्तर 1871 होना चाहिए, 1871 होना चाहिए। देहरादून 1817 में जिला तो बन गया है, किंतु ये एक अटैच डिस्ट्रिक्ट था, सहारनपुर जिले के साथ जोड़ा गया था। तो फिर पृथक कब किया, अलग से एक स्वतंत्र जिला इसको कब बनाया गया? 1871 में देहरादून को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया, एक पृथक जिला बनाया गया, 1871। इस बीच कुछ कहानियां देहरादून के बारे में बड़ी प्रसिद्ध होती है, ध्यान से समझिए। 1826 में ट्रेल ने यह डिसाइड कर दिया कि देहरादून जिला जो है अब हम इसको कुमाऊं कमिश्नरी में डाल देते, तो इसलिए 1826 ईस्वी में देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा बना दिया गया। और ट्रेल को अपना ही ये डिसीजन कुछ समय बाद बेकार लगने लगा। तब 1829 ईस्वी में ट्रेल ने देहरादून को कुमाऊं कमिश्नरी से हटा करके और डाल दिया इसको मेरठ मंडल में, मेरठ मंडल में। 1829 में 1829 ईस्वी के अंदर देहरादून को किस मंडल का हिस्सा बना दिया गया? तब आप कहेंगे देहरादून को मेरठ मंडल का हिस्सा बना दिया। और इसके बाद ये देहरादून जो है ना बड़े धूमधाम से मेरठ मंडल में ही रहा, तब तक जब तक ये गढ़वाल मंडल में ना आ जाए। तो कब गढ़वाल मंडल में आएगा? फिर आपको याद रखना है 4 जून 1975 ईस्वी को इस देहरादून जिले को जो है मेरठ मंडल से हटा करके और कहां डाल दिया गया? तो फिर आप कहेंगे गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया। बहुत सिंपल सी कहानियां है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। 1817 में देहरादून को जिला घोषित किया गया, किंतु 1817 में देहरादून एक अटैच डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, इसको सहारनपुर जिले के साथ जोड़ा गया था प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए। और 1871 वो वर्ष है जब देहरादून को एक स्वतंत्र जिला बनाया गया या फिर एक पृथक जिला बनाया गया। इस बीच में देहरादून कुछ समय कुमाऊं कमिश्नरी का भी हिस्सा रहता है। 1826 से 29 तक देहरादून कुमाऊं कमिश्नरी का हिस्सा था और 1829 ईस्वी में देहरादून को मेरठ मंडल में डाल दिया। और फाइनली 1975 4 जून को देहरादून गढ़वाल मंडल का हिस्सा बना। इसका मतलब साफ है गढ़वाल मंडल में आने से पहले देहरादून जो है वो किसका हिस्सा हुआ करता था? आप कहेंगे मेरठ मंडल का हिस्सा हुआ करता था। फिर 1975 से तो बढ़िया ढंग से देहरादून गढ़वाल मंडल में ही सम्मिलित है, इस पर कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमने जिला दृष्टि सीरीज की शुरुआत ही देहरादून से करी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। और इस देहरादून के संदर्भ में आपको याद रखना है कि राज्य गठन से ठीक पहले एक बड़ा प्रश्न जो उत्तराखंड के लोगों के मन में था कि नए राज्य का प्रस्ताव तो पारित हो गया है, लेकिन नवगठित राज्य की राजधानी कहां होगी? ये प्रश्न सारे लोगों के मन में उस समय चल रहा था। इस प्रश्न पर पूर्ण विराम केंद्र सरकार ने लगाया 2000 ईस्वी के अंदर ही, राज्य गठन से ठीक एक महीना पहले 5 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने यह निर्धारित किया कि जब तक उत्तराखंड की कोई स्थायी राजधानी निर्धारित नहीं हो जाती है, और उत्तराखंड की स्थायी राजधानी क्या होगी इसका निर्धारण कौन करेगा, किसी अलग लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे, कौशिक समिति के बारे में। लेकिन फिलहाल यहां पर समझिए कि उत्तराखंड की राजधानी होगी कौन सी, कौन निर्धारित करेगा कि उत्तराखंड की राजधानी कहां होगी। इसके संदर्भ में केंद्र सरकार ने कहा कि जो नवगठित राज्य में पहली निर्वाचित सरकार आएगी, जो पहली चुनी हुई सरकार आएगी, वो सरकार डिसाइड करे कि इस राज्य की राजधानी कहां होगी। और तब तक
जब तक राज्य में एक निर्वाचित सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक देहरादून उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी होगी। याद रखिए बहुत अच्छे से, देहरादून को उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी कब घोषित किया गया? उत्तर होगा 5 अक्टूबर 2000 को यह निर्णय लिया गया कि देहरादून उत्तराखंड की अस्थाई राजधानी होगी। और स्थाई राजधानी का आज तक कोई समाधान नहीं निकला। आप जानते हैं इस बात को बहुत अच्छे से कि 4 मार्च 2019 ईस्वी को त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री साहब के द्वारा यह घोषणा कर दी गई कि गैरसैंण राजधानी तो होगी लेकिन ग्रीष्मकालीन होगी, सिर्फ ग्रीष्मकालीन राजधानी, उसे यह दर्जा दिया गया। फिर फाइनली 20 फरवरी 2020 ईस्वी से उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दे दिया गया। पर हम बात ग्रीष्म शीतकालीन की नहीं कर रहे, हम बात परमानेंट राजधानी की कर रहे हैं, स्थाई राजधानी। एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा लेक्चर है, आज के लेक्चर में इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि देहरादून को अस्थाई राजधानी कब बनाया गया, 5 अक्टूबर 2000 ईस्वी को इसको अस्थाई राजधानी घोषित किया गया। तो एक जिले के रूप में इसका क्या इतिहास था उसके बारे में अभी तक हम बात कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक समझिए प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का है। तो अगर मैं बात देहरादून की करूं तो एक जिले के रूप में अगर आप देहरादून को देखेंगे तो बहुत बड़ा हिस्सा आएगा, ये पूरा का पूरा हिस्सा देहरादून के अंतर्गत आएगा। अब प्रशासन का मतलब क्या है, इस जिले को कैसे चलाया जाए, इतना बड़ा जिला है तो इस जिले का कुछ हिस्सा ऐसा है जो नगर वाला है, शहर वाला है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग वहां पर निवास करते हैं, आधुनिक सुविधाएं सारी की सारी वहां पर मौजूद है। तो इस जिले का एक हिस्सा ऐसा भी है जो पूरी तरीके से पर्वतीय है, जौनसार और बाबर वाला क्षेत्र, वो भी तो देहरादून के अंदर आ रहा है ना। देहरादून में एक क्षेत्र करनपुर का है तो एक क्षेत्र इस जिले के अंदर पर्वतीय जौनसार का भी है। इसी जिले के अंतर्गत डोईवाला जैसे कुछ ऐसे नगर भी हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप नगर में नहीं गिने जा सकते पर ठीक ठाक है। इसी जिले के अंतर्गत विकास नगर जैसे नगर भी हमको देखने को मिलेंगे। तो ये नगर अगर हम देहरादून से कंपेयर करें विकास नगर को तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, उतनी फैसिलिटीज आपको विकास नगर में नहीं मिलने की जितना देहरादून में है। मेरी सारी बातों को बोलने का भाव सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक जिले के अंदर अगर आप देखो तो बहुत सारी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। कहीं पर पूरी तरीके से आज का शहर है, कहीं पर ऐसा शहर है जो उभर रहा है, जो बन रहा है, कहीं पर ऐसा शहर है जो ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ है लेकिन विकास बहुत कम भी नहीं है, तो कहीं पर पूरी तरीके से पर्वतीय क्षेत्र है। तो क्या पूरे के पूरे जिले का प्रशासन एक तरीके से चलाया जा सकता है क्या? तो उत्तर होगा नहीं। जो करनपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है वहां के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, डोईवाला के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जौनसार के लिए एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो कैसा प्रशासन चल रहा है यहां पर, तो जरा ध्यान से समझना। इस जिले के अंतर्गत आने वाला वो क्षेत्र जहां पर जनसंख्या 1 लाख से ज्यादा है, जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, आधुनिक सुविधाएं सारी की सारी हमें मिल रही है, इस क्षेत्र को घोषित किया गया है नगर निगम। नगर निगम, और अगर बात करी जाए देहरादून की तो जिला देहरादून के अंतर्गत कितने नगर निगम आते हैं, तब आप कहेंगे जिला देहरादून के अंतर्गत 2 नगर निगम आते हैं। जिला देहरादून के अंतर्गत 2 नगर निगम है। पहला नगर निगम जो जिला देहरादून के अंतर्गत बनाया गया इसका नाम देहरादून नगर निगम है, और दूसरा नगर निगम जो जिला देहरादून के अंतर्गत आता है वो ऋषिकेश नगर निगम है। ऋषिकेश नगर निगम भी किस जिले में आता है, देहरादून जिले के अंतर्गत आता है। बात अगर देहरादून के नगर निगम की करी जाए तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि 1867 ईस्वी के अंदर ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने देहरादून को बनाया था भैया नगर पालिका। 1867 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने देहरादून को नगर पालिका का दर्जा दिया था। नगर पालिकाओं के लिए वर्तमान में जो प्रावधान है वो ये कि भाई वहां की जनसंख्या 1 लाख से कम और 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तब ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे। तो 1867 ईस्वी के अंदर अंग्रेजों ने देहरादून को एक नगर पालिका का दर्जा दिया था, और जब इस नगर पालिका का खूब विकास होने लगा तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आप जानते होंगे 21 दिसंबर 1998 को देहरादून नगर पालिका को उच्चीकृत करके नगर निगम का दर्जा दे दिया गया।
देहरादून नगर निगम की स्थापना कब होती है? तब आप कहेंगे 21 दिसंबर 1998 ईस्वी को होती है। 21 दिसंबर 1998 ईस्वी को जो नगर निगम बनाया गया था वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया था। 98 में जो नगर निगम बना ना, वो बनाया किसने था? उत्तर प्रदेश की सरकार ने। नए नगर निगमों के गठन का अधिकार किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास। और 98 में हमारा राज्य कौन था? उत्तर प्रदेश था। फिर 9 नवंबर 2000 को जब नया राज्य बन गया उत्तराखंड, तब एक नई सरकार बन गई उत्तराखंड की सरकार। उत्तराखंड सरकार ने अब इस नगर निगम को फिर से गठित किया। बोलने का मतलब मेरा यह है कि नगर निगम देहरादून का पुनर्गठन कब किया गया? आंसर होगा 2003 ईस्वी के अंदर। बहुत सरल सी बात है। अगर प्रशासनिक रूप से आप देहरादून को देखेंगे तो प्रशासनिक रूप से इस देहरादून के अंतर्गत दो नगर निगम आते हैं। पहला नगर निगम देहरादून नगर निगम है, जिसको एक नगर निगम के रूप में 21 दिसंबर 1998 को इसको एक नगर निगम बनाया गया था, किंतु देहरादून नगर निगम की पुनर्गठन फिर से उसको गठित करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा कब किया गया? 2003 ईस्वी के अंदर किया गया। उत्तराखंड के अंदर देहरादून नगर निगम का अपना ही महत्वपूर्ण स्थान है कुछ मामलों में। एक तो इसलिए महत्वपूर्ण है, देहरादून नगर निगम नगर पालिका में ये आंकड़े ऐड मत कर देना, मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं। एक तो इसलिए महत्वपूर्ण है देहरादून की नगर निगम, क्योंकि ये उत्तराखंड राज्य की सबसे प्राचीन नगर निगम है। 98 में जब नगर निगम बनाया गया था देहरादून को, तो उस समय उत्तराखंड जो आज का है उसका कोई भी हिस्सा नगर निगम नहीं था। तो एक तो बात याद रखना कि भाई उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगर निगम, या आप कह सकते प्रथम नगर निगम कौन थी या कौन है, तो आप कहेंगे देहरादून है। दूसरी बात ध्यान रखना भैया बहुत ध्यान से, कि देहरादून नगर निगम हमारे उत्तराखंड का वो नगर निगम है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है। मैक्सिमम पॉपुलेशन वाला नगर निगम कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम कौन सा है? उत्तर होगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम देहरादून है। हालांकि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हरिद्वार होगा, जिले की बात नहीं कर रहा हूं, जिलों में तो सबसे आगे हरिद्वार है, लेकिन हम बात करें सिर्फ नगर निगम की। जो मैंने ये हाईलाइट किया है ना एरिया, मैंने समझाने के लिए बताया कि ये नगर निगम है देहरादून नगर निगम, तो सिर्फ इस नगर निगम की बात कर रहे हैं हम। अगर हम सिर्फ इस नगर निगम को हरिद्वार नगर निगम से कंपेयर करें, तो फिर ध्यान रखना हरिद्वार नगर निगम की जो जनसंख्या है नगर निगम की, वो देहरादून नगर निगम से कम है। तो जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? देहरादून नगर निगम है। तो दो बात के बारे में अच्छे से याद कर लो, एक इस नगर निगम की स्थापना कब हुई, और ये नगर निगम उत्तराखंड राज्य का पहला या फिर सबसे पुराना नगर निगम है। इसके अलावा उत्तराखंड में देहरादून जिले के अंतर्गत आने वाला दूसरा जो नगर निगम है वो ऋषिकेश नगर निगम है, जिसको 2017 में नगर निगम का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये नगर पालिका होती। तो इस बात को आप जानते होंगे ना कि 2017 से पहले हमारे राज्य में 6 नगर निगम होते थे। ऋषिकेश और कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा दिया गया था 2017 में। तो अब हमारे राज्य में नगर निगमों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। तो प्रशासनिक रूप से अगर आप उत्तराखंड के अंदर देहरादून जिले को देखेंगे तो नगर निगम सबसे पहले आता है, और नगर निगमों की संख्या कितनी है देहरादून के अंदर, तो फिर आप कहेंगे नगर निगमों की संख्या देहरादून में 2 है। मैं इधर लिख लेता हूं, सबसे पहले प्रशासन में नगर निगम क्या होते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्थानीय स्वशासन के अंदर नगर निगम क्या होता है और इसका प्रशासन कैसे चलता है, तो उसके बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो नगर निगमों की संख्या 2 है। पॉइंट नंबर 2, नगर निगम से छोटे नगर, ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक होती है, उनको राज्य सरकार चाहे तो नगर निगम का दर्जा दे सकती है। और ऐसे शहर ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 20,000 से 1 लाख के बीच होती है, तो राज्य सरकार यदि चाहे तो ऐसे नगरों को नगर पालिका का दर्जा दिया जा सकता है। हमारे उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में 41 नगर पालिकाएं हैं, 41 नगर पालिकाएं हैं, और इस 41 नगर पालिकाओं में से 4 नगर पालिका देहरादून जिले के अंतर्गत आती है। देहरादून में नगर निगमों की संख्या 2 है और देहरादून के अंदर नगर पालिकाओं की संख्या 4 है। पहली नगर पालिका डोईवाला की है, दूसरी और महत्वपूर्ण नगर पालिका मसूरी की है, तीसरी नगर पालिका विकासनगर नगर पालिका परिषद है विकासनगर, और चौथी नगर पालिका हरबटपुर है हरबटपुर। ये 4 नगर पालिकाएं जो है देहरादून जिले के अंतर्गत आती है। नगर निगम 2, नगर पालिका 4,
चार में जिसको बिल्कुल नहीं भूलना वो मसूरी नगर पालिका है, इसलिए नहीं भूलना क्योंकि आप जानते 1842 ईस्वी के अंदर मसूरी नगर पालिका वो पहली नगर पालिका है जो उत्तराखंड में गठित करी गई थी। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन नगर पालिका मसूरी नगर पालिका है जिसे 1842 में स्थापित किया गया था। वो बात अलग है कि बाद में फेल हो गई थी, लेकिन स्थापित तो इसी को किया गया था। तो उत्तराखंड का पहला नगर निगम देहरादून नगर निगम भी देहरादून जिले में आता है और उत्तराखंड की पहली नगर पालिका मसूरी नगर पालिका भी किसके अंदर आती है, देहरादून जिले के अंतर्गत आती है। तो नगर निगमों की संख्या दो है और नगर पालिकाओं की संख्या चार है। इसके अलावा देहरादून जो है बड़ा प्रसिद्ध है अपने कैंट एरिया के लिए, कैंटोमेंट एरिया, छावनी परिषदें, ये ऐसे नगर होते हैं, ऐसे एरिया होते हैं जहां का प्रशासन चलाने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। उस समिति में उस छावनी परिषद के अंतर्गत आने वाले कमांडिंग ऑफिसर, उसके अलावा उस जिले का जो डीएम अथवा एडीएम और कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो छावनी परिषदों के निर्वाचन के संदर्भ में हम स्थानीय स्वशासन में बात कर चुके हैं, यहां बात नहीं करेंगे। कैंटोमेंट बोर्ड का आंकड़ा, छावनी परिषदों के आंकड़े के बारे में यदि बात करी जाए तो आप जानते होंगे कि भाई भारत के अंदर छावनी परिषदों की संख्या 62 है, 62 छावनी परिषदें जो है वो भारत के अंदर है। और इन 62 में बच्चे उत्तर प्रदेश के अंदर जो छावनी परिषद है वो 11 है और 11 छावनी परिषदों के साथ उत्तर प्रदेश छावनी परिषदों के मामले में नंबर वन आता है। सर्वाधिक छावनी परिषदें किस राज्य में है, उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर, और उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है उत्तराखंड का, क्योंकि आप जानते होंगे उत्तराखंड में 9 छावनी परिषदें हैं। तो 9 छावनी परिषदों के साथ छावनी परिषदों के मामले में, कैंटोमेंट बोर्ड के मामले में उत्तराखंड भारत में दूसरा स्थान रखता है। हमारे पास 9 कैंटोमेंट बोर्ड है और बड़ी बात ये कि इस 9 कैंटोमेंट बोर्ड में से 4 कैंट बोर्ड देहरादून जिले के अंतर्गत आते हैं, 9 में से 4 अकेले देहरादून में है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि उत्तराखंड में सर्वाधिक छावनी परिषदों वाला जिला कौन सा है, सबसे ज्यादा छावनी परिषदें कहां है, तो भी क्या करेंगे, सबसे ज्यादा छावनी परिषद देहरादून में, 4-5 में से 4 यहां पे, 9 में से 4 यहां पे, इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना किसी में, 4 से ज्यादा तो 5 होता है और ये 5 तो अलग अलग जिलों के अंदर है। तो कैंटोमेंट एरिया कितने है, 4 है। 4 कैंटोमेंट एरिया में पहला कैंटोमेंट एरिया, पहली छावनी परिषद है चकराता छावनी परिषद, वो हालांकि 1866 में गठित कर दी गई थी लेकिन ये चकराता परिषद एक कैंटोमेंट बोर्ड के रूप में अपना काम करना स्टार्ट करती है 1869 ईस्वी के अंदर चकराता छावनी परिषद एक कैंट बोर्ड के रूप में गठित करी जाती है। चकराता छावनी परिषद के अलावा दूसरी जो छावनी परिषद आती है देहरादून जिले के अंदर, उसे हम लोग नाम देते हैं क्लेमेंट टाउन, क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद। और ये क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद की स्थापना कब हुई, तब आपको याद रखना है 1941 में, 1941 ईस्वी के अंदर इस क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद की स्थापना करी जाती है। क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद के अतिरिक्त देहरादून की सबसे प्रसिद्ध छावनी परिषद, जिसको वर्तमान में हम गढ़ी कैंट एरिया कहते हैं या इसी को आप देहरादून छावनी परिषद के नाम से भी जानते होंगे, इसकी स्थापना 1913 में हुई, कुछ एक किताबों में उत्तर 1814 लिखा होगा, तो इसके लिए आप गढ़ी कैंट कैंटोमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल आंकड़ा निकाल सकते हैं। गढ़ी कैंट या फिर देहरादून कैंट एरिया गढ़ी कैंट छावनी परिषद की स्थापना कब होती है, 1913 ईस्वी के अंदर होती है। और इसके अलावा लंढौर छावनी परिषद, मसूरी की जो छावनी परिषद है, इसकी स्थापना 1872 ईस्वी के अंदर, 1872 ईस्वी के अंदर होती है। तो इन आंकड़ों में अगर अलग अलग किताबें अलग अलग आंकड़े आपको दे रही है तो ज्यादा बेटर है कि आप सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करें कि कौन सी नगर छावनी परिषद की स्थापना कब होती है। कुल मिलाकर के देहरादून जिले के प्रशासन में यदि हम देखें तो 2 नगर निगम है, 4 नगर पालिकाएं हैं और 4 क्या है, कैंटोमेंट बोर्ड है। सर्वाधिक कैंटोमेंट बोर्ड, सर्वाधिक छावनी परिषदों वाला जिला कौन सा है, तो फिर कहेंगे सर्वाधिक छावनी परिषदों वाला जिला देहरादून है। इसके अलावा देहरादून जिले के अंदर 7 है तहसील और 6 है ब्लॉक विकास खंड, विकास खंड की संख्या कितनी है, 6 है। करते हैं देहरादून जिले के भूगोल के संदर्भ में यदि बात करी जाए, ज्योग्राफी की, प्रशासन
हम पढ़ चुके हैं। तो प्रशासन के बाद यदि बात करी जाए देहरादून जिले के ज्योग्राफी की, भूगोल की, तो भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला पद किसी भी स्थान की स्थिति होती है। अगर हम देहरादून जिले की स्थिति को जानने की कोशिश करें, देहरादून जिले की स्थिति को देखें, तो फिर आप जानते होंगे कि उत्तराखंड के मैप में, नक्शे में देहरादून जो है वह कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। इस प्रकार की संरचना जो है वो देहरादून की हमें दिखाई देती है। भौतिक रूप से यदि हम देखें तो फिर आप जानते हैं कि भाई देहरादून का ये जो बिल्कुल एंड वाला पॉइंट है, यहां पर इस जगह पर हमने एक बैराज भी बनाया है। इस बैराज को नाम दिया जाता है आसन बैराज, और ये आसन बैराज ही उत्तराखंड राज्य की सबसे पश्चिमी सीमा भी है। इसके बाद खत्म है हमारा राज्य आसन बैराज। इस आसन बैराज से अगर हम ऊपर चलें तो यहां पर ये देहरादून जो है हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, और अगर हम इतने एरिया को ले लें तो यहां पर यह उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। और अगर देहरादून के इस साइड आप आएंगे तो फिर आप जानते होंगे देहरादून के इधर दक्षिण तरफ में हरिद्वार नाम का जिला है। अगर आप देहरादून के इस तरफ को चलेंगे तो यहां आप जानते हैं कि देहरादून के इस साइड में पौड़ी नाम का जिला है। इधर आप चलेंगे तो फिर आप जानते हैं यहाँ टिहरी नाम का जिला है, और इससे ऊपर आप जाएंगे तो फिर आप जानते हैं यहाँ उत्तरकाशी नाम का जिला है। इसका मतलब उत्तराखंड के कितने जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करता है देहरादून, तो आप कहेंगे चार जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। देहरादून उत्तराखंड के कितने जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, उत्तर होगा चार जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार। भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है देहरादून, फिर आप कहेंगे भारत के दो राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का पहला जिला जो सीमा बनाता है देहरादून के साथ, इसका नाम सिरमौर है, सिरमौर। उत्तराखंड का देहरादून जिला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के साथ सीमा बनाता है, और दूसरा बात करें यदि हम तो सिरमौर के ऊपर दूसरा जिला है हिमाचल प्रदेश का शिमला, जो देहरादून जिले के साथ साथ उत्तरकाशी से भी बनाते हैं। तो अभी उत्तरकाशी की बात तो हम कर नहीं रहे, शिमला। उत्तराखंड का देहरादून जिला हिमाचल प्रदेश के दो दो जिलों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, सिरमौर और शिमला, जबकि ये देहरादून जिला उत्तर प्रदेश के सिर्फ और सिर्फ एक जिले सहारनपुर से सीमा रेखा साझा करता है। भौगोलिक रूप से यदि हम देहरादून की स्थिति को देखें तो भौगोलिक रूप से देहरादून की पोजीशन क्या है, स्थिति कहां है, तो कुछ इस प्रकार से चारों तरफ से देहरादून घिरा हुआ है। इसके इधर और ऊपर की साइड उत्तरकाशी है, दाई तरफ जाएंगे तो टिहरी है, नीचे पौड़ी गढ़वाल, सबसे कम सीमा पौड़ी गढ़वाल के साथ ही बनती है देहरादून की, फिर हरिद्वार है, फिर सहारनपुर है, फिर यहां पर सिरमौर और फिर यहां पर शिमला है। जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है देहरादून की। अब ज्योग्राफिकली अगर बात करी जाए, भौगोलिक रूप से यदि देहरादून की बात करें तो आप जानते होंगे कि इस देहरादून को अगर आप देखें भूगोल की दृष्टि से, तो भूगोल की दृष्टि से इस देहरादून के सबसे लोअर जोन में, ये जो क्षेत्र है इसका, इस क्षेत्र में छोटी छोटी कुछ पर्वतमालाएं पाई जाती है। ऐसी पर्वतमालाएं जहां पर आप आसानी से नंगे पैर बिल्कुल किसी बिना किसी सहायता के आराम से आप इन पहाड़ियों पर चढ़ सकते हैं। ये बड़ी इजी पहाड़ियां होती है चढ़ने के लिए, इसलिए आपने जानते भी होंगे कि देहरादून की तलहटी में पाए जाने वाली इन पहाड़ियों को फुट हिल्स कहते हैं, फुट हिल्स, क्योंकि आप आराम से चढ़ सकते हैं यहां पर। ये फुट हिल्स कोई और चीज नहीं बल्कि भारतीय हिमालय का सबसे आउटर रीजन, जिसको कहते हैं शिवालिक की पर्वतमाला, शिवालिक की पर्वतमाला। तो देहरादून के इस जोन में जो है ना, बॉर्डर पर, यहां पर कुछ छोटी छोटी पर्वतमालाएं हैं, और इन छोटी छोटी पर्वतमालाओं को कहते हैं शिवालिक। फिर बीच में देहरादून सिटी है, फिर आप ऊपर चलोगे 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 तो लगभग चक्रवता के आसपास जाते जाते आपको इन छोटी पहाड़ियों से थोड़ा सा घुमावदार पहाड़ देखने को मिलेंगे। तो ये जो पर्वत है ना, छोटे छोटे पर्वत, ये मध्य हिमालय है, मिडिल हिमालया, मध्य हिमालय। और देहरादून नाम का जो शहर है ना, वो यहां पर बसा हुआ है इन दोनों के बीच में, नीचे से शिवालिक, ऊपर से मिडिल हिमालय। अब आप जानते होंगे ज्योग्राफी में जब आप उत्तराखंड के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको हिमालय का जो भाग मिलेगा, आउटर हिमालय जो मिलेगा, उसको नाम देते हैं शिवालिक। फिर आप शिवालिक पर्वतमाला से ऊपर चलेंगे तो फिर आपको मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय मिलता है। फिर और ऊपर चलेंगे तो ग्रेट हिमालय होगा, और बिल्कुल ऊपर चलेंगे तो ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय का वृष्ट छाया प्रदेश बस हमारे राज्य में होता है, पूरी से ट्रांस हिमालय हमारे राज्य में हमें नहीं देखने को मिलता है। तो जब आप राज्य में आएंगे तो आपको पहले शिवालिक मिलेगा, फिर मिडिल हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय। तो ये जो शिवालिक पर्वतमालाएं हैं और ये जो मिडिल हिमालय है, इस शिवालिक पर्वतमाला और मिडिल हिमालय के बीच में एक समतल सी क्षैतिज पट्टी पाई जाती है। ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ चुके, यहां एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। शिवालिक पर्वतमाला और मिडिल हिमालय के बीच पाए जाने वाली क्षैतिज समतल पट्टी को MBT कहते हैं, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं। और मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच गैरसैंण, चंपावत, लोहा घाट के मैंने आपको उदाहरण बताए थे। तो मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में ये जो समतल पट्टी पाई जाती है, इसे कहते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर वो अलग पोर्शन है कि इसके ऊपर आपके शटर जोन होते हैं। तो हमारे राज्य में तो कोई शटर जोन देखने को नहीं मिलता, लद्दाख वगैरह में दिख जाए वो अलग बात है। हमारे राज्य में MCT और MBT का बड़ा महत्व है। MCT और MBT क्या है? MBT मध्य हिमालय और शिवालिक को पृथक करने वाली एक समतल सी पट्टी है, और MCT महान हिमालय और मध्य हिमालय को पृथक करने वाली एक समतल सी पट्टी है। कई बार प्रश्न आ भी जाता है, मध्य हिमालय और शिवालिक को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो आप कहेंगे MBT। ग्रेट और मिडिल को पृथक करने का कार्य कौन करता है? तो आप कहेंगे MCT। ठीक। अब इस देहरादून की स्थिति को आप देखो तो ये देहरादून के एक तरफ शिवालिक है, एक तरफ मध्य हिमालय। तो बताओ शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है, इसका मतलब देहरादून भौगोलिक रूप से कहां पर स्थित है? तब आप कहेंगे MBT में स्थित है। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि देहरादून शिवालिक पर्वतमालाओं में स्थित है। नहीं भाई, शिवालिक इसके आउटर रीजन में है। दून जो है, दून घाटी, देहरादून घाटी जो है ना, वो एक MBT की घाटी है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि शिवालिक और मिडिल हिमालय के बीच पाए जाने वाली इन समतल घाटियों को मेन बाउंड्री थ्रस्ट कहते हैं, पॉइंट नंबर एक। और ये जो MBT की घाटियां हैं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ऐसे छत विछत है, टूटी हुई है बीच बीच में से, ऐसे टूटी हुई है MBT की ये घाटियां। और बच्चे ये जो MBT की घाटी होती है, इस MBT घाटी के पश्चिमी सिरों को, जैसे ये एक घाटी बन गई ना MBT, ऊपर मिडिल हिमालय, नीचे शिवालिक है, तो MBT की इन समतल घाटियों को पश्चिम दिशा में दून कहते हैं। दून, जैसे सबसे पश्चिम में हमारा एक दून है पछुआ दून, उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते तो फिर आता है देहरादून, फिर हम आगे चलते तो फिर हमको दून मिलता है कोटा दून, फिर आगे चलते तो हमको दून मिलता है पाट, ऐसे बहुत सारे दून आ जाते हैं ना। तो मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच में पाए जाने वाली समतल घाटियों को पश्चिम दिशा की तरफ, पश्चिमी छोर की तरफ जो है, उनको दून कहा जाता है। और इन्हीं समतल घाटियों को पूर्वी दिशा की तरफ द्वार कहा जाता है, चाहे फिर हरिद्वार हो चाहे फिर कोटद्वार हो। तभी हम पश्चिम में है ना, पश्चिम में देहरादून कहां है? पश्चिम में। तो पश्चिम दिशा की तरफ ये आपका जो मध्य हिमालय है और ये आपका जो शिवालिक है, इन दोनों के बीच की जो पतली सी एक समतल घाटी बन रही है, इसे नाम देते हैं दून। तो सबसे पहला जो दून है वो हमारा, हमारे राज्य के बिल्कुल इस जगह पर स्थित है, इस दून का नाम है पछवा दून। ये पछवा दून जो है राज्य का सबसे पश्चिमी दून है। और इस पछवा दून के अगर आप पूर्वी दिशा में चलेंगे तो फिर आपको मिलेगा राज्य का सबसे बड़ा दून, जिसका नाम है देहरादून। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा दून कौन सा है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा दून देहरादून। हम आज जिला देहरादून पढ़ रहे हैं, जिला देहरादून। तो इस जिला देहरादून के अंतर्गत दो दो दून आते हैं, पछवा दून और दूसरा देहरादून। दून किसे कहते हैं? मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वतमाला के बीच पाए जाने वाली समतल घाटियों के पश्चिमी शिरों को दून कहा जाता है। और राज्य का सबसे बड़ा दून जो है वो देहरादून ही है, याद रखना इस बात को। राज्य में 75 किलोमीटर लंबाई, 25 किलोमीटर चौड़ाई और 660 मीटर औसत ऊंचाई वाली एक घाटी है, जो हमारे राज्य की सबसे बड़ी दून घाटी है, और इसी का नाम देहरादून है। दून घाट की लंबाई 75 किलोमीटर है, दून घाट की चौड़ाई 25 किलोमीटर है, और दून घाट की औसत ऊंचाई 660 मीटर है। ये बीच में एक जो वैली बनी हुई है 75 किलोमीटर लंबी, 25 किलोमीटर चौड़ी
और 660 मीटर औसत ऊंचाई वाली जो एक घाटी बनी हुई है, जो एक वैली बनी हुई है, इस वैली को कहा जाता है देहरादून वैली। कहां स्थित है? एमबीटी में, मेन बाउंड्री थ्रस्ट में स्थित है ये वैली। और ये वैली, ये जो दून है, ये दून हमारे राज्य का सबसे बड़ा दून है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा दून है। अन्य दूनों के बारे में मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे जैसे जिले पड़ेंगे वैसे वैसे अन्य दूनों के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल देहरादून की अगर स्थिति की बात करी जाए, इसके अड़ोस पड़ोस के जिलों की बात करी जाए, तो उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हिमालय की दृष्टि से अगर देखें तो हिमालयन दृष्टि से देहरादून शिवालिक तथा मध्य हिमालय के बीच में आता है। देहरादून खुद में एक दून है, दून का मतलब, और अच्छा ये पूरा देहरादून जिला दून नहीं है, इधर नहीं, ये जोनसार बाबर का क्षेत्र है, देहरादून के अंतर्गत आने वाला जोनसार बाबर का क्षेत्र, इसके बारे में हम बात नहीं किए अभी, और ना ही हमने इस वैली के अलावा किसी और जगह के बारे में बात करी है। सिर्फ सिर्फ मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच आने वाली ये 75-25-660 मीटर की डायमेंशन की जो घाटी है, उस घाटी को देहरादून कहा जाता है। क्योंकि देहरादून का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ हिस्सा ऐसा है जहां पर पहाड़ भी हमें देखने को मिलते हैं, जोनसार बाबर वाला क्षेत्र, तो इस वाले हिस्से को हम जिला देहरादून का पर्वतीय भाग कहते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो जिला देहरादून का मैदानी भाग होता है। तो जिला देहरादून का बच्चे जो मैदानी भाग है, इसी में आपको तराई भी देखने को मिलेगा, इसी में आपको बाबर भी देखने को मिलेगा, और इसी में कुछ क्षेत्र में आपको मैदान भी देखने को मिलेंगे। हालांकि ये मैदान जो है, भारत से अगर हम कंपेयर करें तो गंगा यमुना के मैदानों की तरह वाली स्थिति देहरादून में नहीं दिखाई देने को नहीं मिलेगी। मुख्यतया देहरादून जो है वो तराई और बाबर के रूप में है, अगर भूगोल की दृष्टि से कहें, लेकिन हम अपनी भाषा में ये कह लेते ना कि ये पर्वतीय है, तो नीचे वाला कौन सा है? मैदानी भाग। तो भौगोलिक दृष्टि से देहरादून की क्या स्टोरी है, इसके बारे में हम लोग ने बात करी है। शिवालिक पर्वतमाला है इसकी एक तरफ, मध्य हिमालय इसके एक तरफ, उसके बीच में एक घाटी बनी हुई है जिसको हम लोग नाम बोलते हैं देहरादून घाट। अब ये जो वैली है, ये जो देहरादून वैली है, इस वैली का निर्माण किसने किया, ऐसा कैसे बन गया ये देहरादून, इस घाटी का निर्माण किसने किया, तो फिर आपको पता होगा कि देहरादून के ये पश्चिमी वाला जो सिरा है, ये वाला जो हिस्सा है देहरादून का, इस क्षेत्र में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो फिर आप जानते हैं इस क्षेत्र के अंदर टोंस और यमुना नदियां प्रवाहित होती है। अब क्योंकि यमुना भी टोंस की ही सहायक नदी है, तो फिर मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, इस तरफ देहरादून के जो नदी तंत्र है उसका नाम है यमुना नदी का तंत्र। देहरादून के पश्चिमी दिशा की तरफ कौन सा नदी तंत्र है, फिर आप कहेंगे यमुना नदी तंत्र, जबकि आप देहरादून से इधर चलो तो यहाँ टिहरी गढ़वाल है, और टिहरी गढ़वाल में नदी प्रवाहित होती है भागीरथी, फिर देवप्रयाग के बाद नदी बनती है अलकनंदा, और देहरादून को थोड़ा सा रायवाला वाले एरिया में टच करते हुए निकलती है। तो ये वाला जो नदी तंत्र है, इस नदी तंत्र का नाम है गंगा नदी तंत्र। तो आप ये कह सकते हैं कि देहरादून जो है वो किन दो नदी तंत्रों के बीच स्थित है, फिर आप कहेंगे देहरादून गंगा तथा यमुना नदी तंत्रों के बीच स्थित है। वैयक्तिक सहायक की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, दून घाटी, देहरादून घाटी किन दो नदी तंत्रों के बीच स्थित है, तो याद रखें यमुना नदी तंत्र तथा गंगा नदी तंत्र के बीच में स्थित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देहरादून में ये नदियां प्रवाहित होती है, ये बॉर्डर बॉर्डर से निकल रही है, किनारे किनारे से निकल रही है, किंतु जो दून वैली है, जो दून घाटी है, वो दून घाटी किन दो नदी तंत्रों के बीच में आती है, तो फिर आप कहेंगे यमुना नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र के बीच में आती है। कल फिर हम इसके आगे के लेक्चर के बारे में बात करेंगे, वहां पढ़ेंगे देहरादून की प्रमुख नदियां, देहरादून के प्रमुख दर्रे, देहरादून की जलवायु क्यों विशिष्ट है, क्यों महत्वपूर्ण है, और ज्योग्राफी के अन्य तथ्यों के साथ साथ हम कल के लेक्चर में देहरादून के पर्यटन के संदर्भ में भी बात करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं आपको कल को, तब तक के लिए धन्यवाद।